अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैंसी बर्ड्स पीक है मैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद है तमाम ठीक होंगे, है ये से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों ये देखें ना, अब ये एक नर्मदी है। ये कौन सी नर्मदी है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास लकड़ का केज है, इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस मैंने अलग से शेयर की थी वीडियो में, तो जो है ना अलग से शेयर की थी इसीलिए। तो जो है ना इसमें एक मेरे पास ब्लैक आइज़ है और एक रेड आइज़ का जोड़ा था इधर, ठीक है। और ये देख लें ना आप, ये अंडे आप देख रहे हैं नीचे। इसकी बड़ी पुरानी आदत है, मैंने सोचा था चलें ये अलग किसी और पिंजरे में या इसे शिफ्ट करूँगा, कहीं चेंज करूँगा तो जो है ना अपनी आदत थोड़ी सी चेंज कर लेगी मादी, ठीक है। लेकिन इसने बिल्कुल चेंज नहीं की। ये देख लें आपके सामने अंडे पड़े हुए हैं, इसने बाहर फेंक दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने जनाब इसे इधर से निकाला है और ये मैंने नर्मदी को जो है ना, ये मेरे पास, ठीक है, ये मैंने अलग कर लिए, इसे पकड़ लिया है। और अब इसमें जो है ना ये नर्मदी दो मैंने अभी निशानी लगा के तो नर्क और मादी को पकड़ा है, ठीक है। और ये मेरे पास जो है ना ये एक साइड पे थे इधर ऊपर, ये देख लें, ये मेरे पास न्यू जो थे पट्टे, नए पट्टे जो अभी फ्रेश पट्टे थे 3 महीने के, वो भी तकरीबन ब्रीडिंग काबिल हो चुके हैं। ब्रीड कर देंगे इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर अंदर ये मछलियाँ चूज़ कर लेंगे। और ये उम्मीद है कि क्लच मुझे दे के जाएँगे तकरीबन जो है ना गर्मी आने तक, ठीक है जी। तो इसमें से मैंने एक पट्टी पट्टा जो है ना वो उठाया, वो लगे हुए थे जोड़ा, तो वो मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो ये ब्लैक है, इसका नारा सामने बैठा और मादी पिंजरे के अंदर और उसके अंदर है मटकी के अंदर, ठीक है जी। अब ये मैंने इधर चेंज किया है तो पूरी उम्मीद है कि ये इधर जो है ना सेट होगा और देखते हैं ये क्या करते हैं। और ये जो है ये मैंने पकड़ लिया, मैं इसे इन्हें मैं इधर छोड़ रहा हूँ। ये मेरे पास दो नारे हैं इधर, आप लोगों से मैंने शेयर किया था, ये दोनों नारी हैं, ठीक है जी। तो इनके बारे में बाद में फ़ैसला करेंगे कि इनका क्या करना है। तो अब मैं ये जो है ना इन्हें भी इसके अंदर ही छोड़ता हूँ। तो ये दोस्तों देखें, ये मैंने नर्मदी को इसके अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरा पट्टा जो है ना मादी के साथ आते ही मस्तियाँ शुरू कर दी हैं इसने। लेकिन ये मादी बहुत ही कमीनी मादी है, ये इसने शुरू से लेके अभी तक मेरे पास जो है ना बिल्कुल ब्रीड नहीं की। वो दो पट्टे थे, एक बुरे थे, लेकिन ये भी उनमें से शामिल हो गई थी। लेकिन मैंने कहा चलें पिंजरा चेंज किया है, कुछ इसकी लोकेशन चेंज की है, शायद ये जो है ना ब्रीडिंग कर दे, लेकिन इसने बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं की। तो लिहाजा मैंने इसे जो है ना अब जो इधर अलग दो नरों के बीच में छोड़ दिया। तो अब देखते हैं कि ये क्या बनता है। ये बड़ा अग्रेसिव नर है, ये देखें, ये इधर केला पड़ा हुआ था इधर, ठीक है। तो अब उसे मादी नज़र आई है, तो देखें ये जनाब देखें, ये बिल्कुल उसने आते ही शुरू हो गया वो, ये देखें। अब भी मैंने डाला है आपके सामने और ये देखें इसकी सेटिंग देखें, इसका काम देखें। ये देखें ज़बरदस्त और अग्रेसिव नारा मेरा ये, और उसने आते ही मादी तो जनाब घेर लिया। चलें देखते हैं क्या करना है। ये मादी वैसे मुझे बड़ी इसने तंग किया, बड़ा मैं परेशान हूँ इसके बारे में, ठीक है। अभी इसने अंडे बाहर फेंके और अभी ये अंडे पे है तो सही, क्योंकि ब्रीडर मादी है, बड़ी मादी है, तो जो है ना हो सकता है ये क्रॉस तो करेगी लेकिन अंडे देगी तो फिर वही मसला होगा, ठीक है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अगर नर चेंज करने से मादी जो है ना सेट हो सकती है, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। ये देखें जनाब, ये तो इसने आते ही इससे क्रॉस भी करना शुरू कर दिया, ये आप देखें, ये जो उसका पुराना नारा है उसके सामने बैठा हुआ है और उसने क्रॉसिंग शुरू कर दी, ये देखें। मरल अभी देखते हैं कि जो है ना इसका क्या करना है, अभी देखूंगा कि क्या सूरत हाल बनती है। वैसे इसकी हालत कोई नहीं रखने वाली, ठीक है जी। इसने बिल्कुल जो है ना मुझे मायूस किया, तमाम सर्दियों में इसने ब्रीड नहीं की,
तो अभी क्या करेगी, बड़ी परेशानी बनेगी, क्योंकि क्रॉस तो ये करती है लेकिन अंडे भी देती है लेकिन बच्चे नहीं पालते, ये जो मादी है। तो बाकी देखते हैं क्या करना है इनका, ठीक है जी। तो ठीक है जी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।